छुपाने के लिए शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए शमा जलती है शमा जलती है। अच्छा क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ आपको ये जानकारी दी किसने? ये खबर मुझे कहीं और से नहीं बल्कि शमा के परिवार से मिली। लेकिन शमा ने तो कहा था कि 3 महीने के बाद अल्तमश का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तो होगा भाभी जान, पर उसके बाद अल्तमश की आंखों की रोशनी आएगी या नहीं आएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे साफ साफ बताओ पल्लवी, कौन है वो? अकबर जी, वो दुर्गा देवी के पति हैं। इंस्पेक्टर साहब आप इनकी बात में मत आइए, आप खुद इस बात की छानबीन कीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। थैंक यू। एक मिनट अकबर साहब, जाने से पहले वो सबूत तो हमें देते जाइएगा। अब तक आप मुझसे पूछ रहे थे ना, अब मैं आपसे पूछ रही हूं। फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जानकारी थी जो मैंने इंस्पेक्टर साहब को दे दी। ओके इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद भी यही चाहती हूं कि आप इस मामले की छानबीन गहराई से करें। आपको याद होगा अल्तमश के गायब होने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ आई थी आपसे मिलने, और आज शमा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी सारी जानकारी आपके पास है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ। कानून के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। अगर आप सही ढंग से छानबीन करेंगे तो सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। एक बात और इंस्पेक्टर साहब, अगर इस मामले में आप इनसे कोई भी पूछताछ करना चाहेंगे तो ये यहां हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। इस बात की गारंटी मेरी, मैं आपसे वादा करती हूं मैं इन्हें लेकर यहां आऊंगी। मेरी छानबीन तो चल रही है, फिलहाल आप इन्हें ले जा सकती हैं। थैंक यू। चलिए बात समझ में नहीं आ रही है कि मम्मी जी को आखिर अपने बेटे से ये सच्चाई छुपाने की जरूरत क्या थी? जब ये बात बाहर के लोगों को पता चलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मम्मी जी इस कदर गिर सकती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जीजू अब यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। क्यों जाऊं मैं अंदर तुम्हारी बहन की जली कटी बातें सुनने? उसे बोलते हुए जरा भी एहसास नहीं होता कि उसके शब्द किसी के दिल को कितनी चोट पहुंचाते हैं। जीजू आपको तो पता है ना कि दीदी ऐसी है, उसको बोलते रहने की आदत है। लेकिन मैं क्यों उसकी जली कड्डी सुनूं? मैं क्यों उसे बर्दाश्त करूं? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पल्लवी को बहुत मजा आता है मुझे तकलीफ देने में, मुझे चोट पहुंचाने में। जाने भी दीजिए जीजू, चलिए। नहीं गौतमी, तुम जाओ वहां। पल्लवी ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तुम जाओ गौतमी। मैं जानती हूं जीजू कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे। दीदी पार्लर चली गई है, अब तो आएंगे अंदर। चलिए अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलिए आइए बैठिए। अब आप वो बात को खत्म कर दीजिए, मुझसे आपकी उदासी देखी नहीं जाती। मेरी उदासी पर तुम क्यों परेशान होती हो? जब पल्लवी को मेरी परवाह नहीं है तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है?
पता नहीं, लेकिन आपको उदास देखकर परेशान जरूर हूँ। वो तो देख रहा हूँ गौतमी, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे उदास देखकर उदास हो। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। मैं तो सोच रही थी कि आप नाराज होकर जा रहे हैं तो दीदी आपको रोक लेंगी और मनाएंगी, लेकिन दीदी तो तैयार हुई और पार्लर चली गई। अफसोस इसी बात का है। अब देखो ना, ऊपर वाला भी कमाल है, कैसी कैसी जोड़ियां बनाता है। उनकी जोड़ियां बनाता है जिनकी सोच नहीं मिलती, जो एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहते। मैंने पल्लवी के लिए दिल में कितने सपने सजाए थे, लेकिन पल्लवी की बेरुखी की वजह से उन सारे सपनों ने दिल में ही दम तोड़ दिया। और अब तो किसी से किसी बात की उम्मीद ही नहीं रही। इस बात को मैंने खुद भी महसूस किया है जीजू। इसीलिए तो तुम्हें देखकर बार बार मुझे एक ही ख्याल आता है, काश मेरी शादी तुमसे हुई होती। तुमने तो पूरे हक से मेरी कलाई थाम ली, लेकिन मैं दिल में प्यार होने के बाद भी अधिकार से तुम्हारी कलाई को नहीं पकड़ सकता। प्यार जब होता है तो एक ओर से नहीं होता, दोनों ओर से होता है। मेरे दिल में भी आपके लिए वही जगह है जो आपके दिल में मेरे लिए है। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। मेरे दिल में भी आपके लिए वही जगह है जो आपके दिल में मेरे लिए है। लीजिए, थाम लीजिए मेरी कलाई। आंटी, अरे शमा, बैठो। अल्तमश कैसा है? वो तो वैसा ही है आंटी, लेकिन इस घर में आने के बाद हमने जो कुछ भी सुना है उसके बाद हमारे दिल में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। शमा, जो बात अब तक लोगों से छुपी हुई थी आखिरकार वो लोगों के सामने आ ही गई। मैं भी नहीं चाहती थी कि ये बात लोगों से छुपी रहे। एक ही छूट था जो मेरे दिल पर बोझ बना हुआ था। मुझे लगने लगा था कि अपने बेटे और अपनी बहू से ये झूठ बोलकर मैंने कितना बड़ा जुर्म किया। अब चाहे लोग कुछ भी समझे, लेकिन एक पत्नी होने का फर्ज मैंने निभाया है। काश अंकल को भी इस बात का एहसास होता। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहने के लिए हमें यह शर्त कभी नहीं रखनी चाहिए कि वो भी अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहे। वो चाहे कैसे, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उन्हें बचाऊं। बस मैंने वही किया। दुर्गा,
दुर्गा, मैं जानता हूं कि जिंदगी भर मैंने तुम्हें दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया। जुल्म किया है मैंने तुम्हारे ऊपर, मैं माफी का भी हकदार नहीं। एक बार दुर्गा, बस एक बार मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो। अब तो नफरत सी होने लगी है अपनी जिंदगी से, घिनाती है अपने आप पर। कैसी जिंदगी जीता रहा हूं, कैसे कैसे गुनाह भरे रास्ते पे चलता रहा हूं मैं। मैं तुम्हें तुम्हारा गुजरा हुआ वक्त लौटा तो नहीं सकता हूं दुर्गा, लेकिन हां तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, एक बार माफ कर, ना चाहते हुए भी बस एक बार माफ कर दो दुर्गा। नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। ना चाहते हुए भी बस एक बार माफ कर दो दुर्गा। नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती, नहीं भूल सकती। ये आपकी वजह से अपने बेटे से कितना बड़ा झूठ बोला था मैंने, क्योंकि मुझे यही लगता था कि वो झूठ मेरे बेटे की जिंदगी को एक अच्छी दिशा देगा। नहीं भूल सकती कि वो झूठ किस कदर मुझ पर भारी पड़ा। नहीं भूल सकती किस तरह रो रोकर मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। मैं जानता हूं दुर्गा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी को दुश्वार किया, तुम्हारा जीना तक दुश्वार किया है मैंने। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें एक छोटा सा सुख भी नहीं दिया। इस बात का भी एहसास है कि जो मेरे फर्ज थे उन फर्जों को भी तुम पूरा करती रही, और एक मैं ऐसा था कि तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें खड़ी करता रहा दुर्गा। मुजरिम हूं मैं तुम्हारा, मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलने वाला, मैं जानता हूं, ना चैन मिलने वाला। ये बात मुझे जिंदगी भर तड़पाती रहेगी कि मैं एक ऐसा अभागा इंसान हूं जिसने इतने दुष्कर्म किए हैं कि मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। दुर्गा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं चला जाऊं तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा मैं, कभी लौट के भी नहीं आऊंगा मैं। आएगी ना मेरी मौत की खबर आएगी, बस जाने से पहले इतना कहना चाहता हूं, भगवान इस परिवार को सदा सुखी रखे। अबूजान, हम यहां क्यों आए हैं? कोई मतलब नहीं है इससे बात करके। अकबर, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है,
हम तुम्हारे दुश्मन हैं तो हमें मार डालो, पर हमारी वजह से किसी और के घर को तबाह करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? मुझे लगता है कि आपको किसी ने मेरे बारे में बहकाया। मैं तो वो सांप हूं जो तब तक नहीं डसता जब तक उसके पूंछ पर कोई पांव न रखे, और अब किसी ने मेरी पूंछ पर पांव रख ही दिया है, इसे जवाब तो मिलेगा। अकबर, हम यही कहने आए कि तुम जो दुर्गा देवी के घर को तबाह करने की साजिश कर रहे हो वो बंद कर दो। दुर्गा देवी को उसके बेटे से अलग कर दिया तुमने, और अब तुम उसके शौहर को फंसाने की कोशिश कर। तो फिर आप दुर्गा देवी को जाके क्यों नहीं समझाते कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करें? अकबर, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? मौत के सौदागर। तालीम मैंने ही तुम्हें दिलाई थी, लेकिन आज मुझे एहसास होता है सही तालीम भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। तुमने कानून क्या पढ़ा कि उसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हो? अपने आप को मौत का सौदागर समझते हो? कि मेरी एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हारा इतना खौफनाक हश्र होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप पहले अपना हश्र देखिए, अब भी आपको अपनी हालत पर तरस नहीं आता? अब तक मैंने आपके बुढ़ापे पर तरस खाया, वरना अब तक तो आप अल्लाह को कब के प्यारे हो चुके होते। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। अब तक तो आप अल्लाह को कब के प्यारे हो चुके होते। छोड़ दो अस्कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बू जान से ऐसे बात करने की कि तुम उन्हें उस हर्ष तक पहुंचाओगे? छोड़ दो। तुमने क्या समझा कि अब्बू जान बूढ़े हो गए? लेकिन शायद तुम ये भूल गए अस्कर कि उनकी ये औलाद है जिसका नाम अस्कर है, और उसमें इतनी हिम्मत है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी और इसी वक्त छोड़ दो। असगर, तुमने अगर इसको मार डाला तो तुम्हें भी फांसी चढ़ना होगा, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस बस, मैं कहता हूं बस बेटे बस। असगर तू तो क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, कल तक तो मेरे चाचा जी बनकर रह रहे थे, तो इस घर में आपके लिए जगह ही जगह थी, और आज जब सच्चाई का पता चला है कि आप इस घर के मालिक हैं, दुर्गा देवी के पति हैं, मेरे पूजनीय ससुर जी हैं, तो आप इस घर से रुखसत हो रहे? हाँ, मैं रुखसत हो रहा, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तो रिश्तों की अहमियत ही भूल चुका था। लेकिन तुम एक बात याद रखना बल्ली,
कि तुम भी इसी रास्ते की राही हो और शायद तुम भी रिश्तों की अहमियत को भूल चुकी हो। मुझे भी अपना जैसा समझा है क्या आपने? मुझे मत समझाइए, जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपको रोकने वाली नहीं हूँ। जा रहा हूं लेकिन इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं अपनी ही नजरों में गिर कर जा रहा हूं। कहते हैं इंसान कहीं से भी गिर कर खड़ा हो सकता है लेकिन जब कोई इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाए तो कभी नहीं खड़ा हो सकता। पल्लवी, कल तक तुम नहीं जानती थी कि तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारा ससुर, लेकिन आज तुम जान चुकी कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। इसलिए जाने से पहले मैं अपनी बहू को समझाना चाहता कि अपने इन बढ़ने वाले कदमों को रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें भी मेरी ही तरह अपनी नजरों में गिर जाना पड़े। सदा सुखी रहो। ऋषि बेटा, मैं जा रहा हूं ऋषि बेटा, लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूं तुमसे, अपनी मां को कभी गलत मत समझना, वो तो देवी है, देवी। अगर आपको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, बुराई का रास्ता छोड़ने का आपने फैसला ले ही लिया है, तो यहां से जाने की अब क्या जरूरत है? चाहे कुछ भी हो जाए गौतमी, मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। किसका फोन है सुहा? पता नहीं अम्मी जान,